नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। चारधाम यात्रा खुलने से पंडे पुजारियों और व्यापारियों में खुशी, जताया आभार। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को पूरी तरीके से खोल दिया है। अब सारे श्रद्धालु चारों धामों में जा सकते हैं। हाईकोर्ट द्वारा यात्रा पूरी तरह खुलने से श्रद्धालुओं और पंडे पुजारियों में खुशी की लहर है। सभी ने हाईकोर्ट का आभार जताया है। उत्तराखंड में कल से ऊर्जा कर्मचारियों की हड़ताल, प्रशासन ने कसी कमर। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन की कल से होने जा रही हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो सकती है। बार बार की हड़ताल के चलते लंबे समय तक बिजली की कटौती हो रही है, जिससे आम आदमी बहुत परेशान है। हड़ताल के कारण लोगों को परेशानियां ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। युवाओं को अपराध की तरफ धकेल रही IPL सट्टेबाजी, STF SSP ने जताई चिंता। IPL में होने वाली सट्टेबाजी कई तरह के संगीन अपराधों को जन्म दे रही है, यह मानना है उत्तराखंड STF के SSP अजय सिंह का। उनका कहना है कि सट्टेबाजी में जमा पूंजी कमाने के बाद युवा डिप्रेशन में आकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। PM मोदी को लखीमपुर की घटना पर केदारनाथ में प्रायश्चित करना चाहिए, गणेश गोदियाल। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने PM मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे पर अपना विरोध दर्ज करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर की घटना पर PM मोदी को केदारनाथ जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। कांग्रेसियों ने कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि, किया शांति यज्ञ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। संक्रमण के डर से कई लोगों का विधि विधान से संस्कार और कर्मकांड नहीं हो पाया। इसे देखते हुए कांग्रेस ने हरिद्वार में शांति यज्ञ किया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। अखाड़ों की भूमि पर फ्लैट बनाकर बेच डाले, स्टंप चोरी में जल्द होगी कार्रवाई। हरिद्वार में अखाड़ों की जमीन पर बने फ्लैट में बड़े पैमाने पर स्टाम्प चोरी मामले में DM विनय शंकर पांडे ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने मामले में जल्द कार्रवाई करने की बात कही। वहीं बता दें कि अखाड़ों की भूमि पर फ्लैट बनाकर बिना रजिस्ट्री के बेचे गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर CM पुष्कर सिंह धामी ने जताई खुशी। चारधाम यात्रा के लिए तय सीमित संख्या की बाध्यता को नैनीताल हाईकोर्ट ने हटा दिया है। ऐसे में श्रद्धालु अब बिना किसी रोक टोक के चारधाम यात्रा कर सकेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल हाईकोर्ट को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने तय सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया है, ऐसे में अब चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चल सकेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा में कोविड नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। 5 लोगों की निर्मम हत्या का मामला हो गई अंतिम जरा, दोपहर बाद होगा सजा का ऐलान। राजधानी देहरादून के आदर्श नगर में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या के मामले में आज दोपहर बाद कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में आज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सजा के लिए दोनों ही पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में अंतिम पैरवी की गई। UKD ने BJP सरकार पर बोला हमला, का प्रदेश को मुख्यमंत्री के तौर पर दिए गए मुनिम। उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। UKD के केंद्र अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने BJP की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर मुंशी दिए हैं। समोसा एंड संस फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज, मुक्तेश्वर में हुई है शूटिंग। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई में समोसा एंड संस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया। शालिनी शाह ने फिल्म का निर्देशन किया है। फिल्म की 100% शूटिंग लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में हुई है। CM धामी ने बाबा केदार का लिया आशीर्वाद, पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 8:30 बजे के करीब केदारनाथ धाम पहुंचे। VIP हेलीपैड में पहुंचने के बाद CM धामी के स्वागत में पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही देवस्थान बोर्ड के कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कि बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना की। माउंट त्रिशूल एवलांच, रियर एडमिरल सूरज बेरी बोले, बॉडी न मिलने तक जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन। जोशीमठ पहुंचे नौसेना के रियर एडमिरल सूरज बेरी ने माउंट त्रिशूल रेस्क्यू अभियान के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी भी एक नौसेना अधिकारी और एक पोर्टर लापता है, उनके मिलने तक रेस्क्यू अभियान जारी रहेगा। रविवार को भागीरथी नदी में 2 शिक्षक हुए थे लापता, एक का शव बरामद, दूसरा लापता। उत्तरकाशी में 2 दिन पहले यानी कि रविवार को देवीधार रनाड़ी मोटर मार्ग पर एक कार हादसे का शिकार हो गई थी। कार अनियंत्रित होकर भागीरथी में समा गई थी। जानकारी मिली है कि कार में 2 शिक्षक सवार थे जो कि कार समेत लापता हो गए थे। वहीं बड़ी खबर ये है कि 2 शिक्षकों में से 1 शिक्षक का शव भागीरथी नदी से बरामद कर लिया गया है। सोमवार देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद मंगलवार तड़के शव बरामद हुआ, साथ ही टीम ने कार को भी बरामद कर लिया है। इसी के साथ दूसरे लापता शिक्षक की तलाश जारी है। गौरव के टिहरी निवासी दोनों शिक्षक
उत्तराखंड डोंडा के मासब गांव में रिश्तेदारों के यहां गए थे, जो कि वापसी के दौरान हादसे का शिकार हो गए। शिक्षकों की कार भकोड़ा पटवारी चौकी के पास अनियंत्रित होकर भागी रथी में समा गई। हादसे में कार सवार दोनों शिक्षक लापता हो गए। पुलिस समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। सोमवार रात को डीएम मयूर दीक्षित भी मौके पर पहुंचे थे और टीम से फीडबैक लिया था। एक शिक्षक बुद्धिलाल का शव टीम ने बरामद कर लिया है। साथ ही हाइड्रा मशीन की मदद से नदी में समाई कार भी बाहर निकाल ली गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं सर्च ऑपरेशन जारी है और लापता दूसरा शिक्षक की तलाश जारी है। सरकार ने निकाला बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का तोड़। इस राज्य से भर्ती के लिए पहुंचा युवा, टोल फ्री नंबर जारी। बिजली कर्मचारियों ने बुधवार 6 अक्टूबर से हड़ताल का ऐलान किया है। उपभोक्ताओं की किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए ऊर्जा निगम ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। इसके साथ कर्मचारियों के इस ऐलान के बाद सरकार ने वैकल्पिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य में एक ओर जहां एस्मा लागू किया गया, तो वहीं सरकार ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से इंजीनियर बुला लिए हैं। निगम प्रबंधन ने नई भर्तियां भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुट के अधिकारी और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे उत्तराखंड विद्युत अधिकारी संयुक्त मोर्चे उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने पुरानी पेंशन, पुरानी एसीपी व्यवस्था और संविदा कार्मिकों की नियमितीकरण समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कई बार सरकार और कर्मचारियों के बीच वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। देहरादून में गड़बड़ी, एफआरआई की परीक्षा देने पहुंचे एक ही नाम के दो लोग, हरियाणा का युवक गिरफ्तार। देहरादून के एफआरआई से बड़ी खबर। जी हां, बता दें कि एफआरआई की ओर से आयोजित मल्टीटास्क स्टाफ परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। बता दें कि केंद्र अधीक्षक की ओर से असली अभ्यर्थी को बाहर कर पेपर सॉल्वर को परीक्षा में बैठा दिया, जो पेपर खत्म होने से कुछ देर पहले ही पेपर छोड़कर फरार हो गया। शहर कोतवाली पुलिस ने मुख्य अभ्यर्थी को पकड़ लिया, लेकिन पेपर सॉल्वर का अभी कोई पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने एफआरआई के कुल सचिव एसके थॉमस की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी खुड़बुड़ा पंकज तिवारी ने जानकारी लेते हुए बताया कि एफआरआई के कुल सचिव ने परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर को मल्टीटास्क स्टाफ पद की लिखित परीक्षा करवाई गई थी, जिसके लिए 28 केंद्र बनाए गए थे। शाम 4 से 6 बजे तक आयोजित परीक्षा के केंद्र गुरु रामराय पब्लिक स्कूल खुड़बुड़ा में अमित नाम के दो अभ्यर्थी आए। दोनों के आधार कार्ड में पिता का नाम और पता एक ही, इससे यह साफ नहीं हो पाया कि दोनों में से किसे परीक्षा के लिए अनुमति प्रदान की जाए। हल्द्वानी, फांसी के फंदे पर झूली बीए प्रथम वर्ष की छात्रा, बहन ने देखा शव। उत्तराखंड में लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन देहरादून समेत हल्द्वानी और अन्य जिलों से आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। बात करें हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी में बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं। बीते दिनों एक बीटेक की छात्रा ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो फीस नहीं भर पाई थी। वहीं ताजा मामला एक बार फिर हल्द्वानी से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राजपुरा राजकीय इंटर कॉलेज के पास एक युवती ने घर में पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में BA प्रथम वर्ष की में पढ़ती थी, जो कि आज दोपहर 1:30 बजे कॉलेज से घर आई। खाना खाकर वह अपने कमरे में चली गई। शाम को 4 बजे भाई ने पंखे से लटकी अपनी बहन को देखा, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अरुण सैनी ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया है। अब पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। उत्तरकाशी में स्कूटी और ट्रक के बीच टक्कर, एक की मौत। उत्तरकाशी में स्कूटी और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिससे स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। बता दें कि मामला उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील अंतर्गत उत्तरकाशी लंबगांव मोटर मार्ग का है, जहां एक मैगी पॉइंट से 200 मीटर आगे की स्कूटी और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पुलिस और 108 को दे दी गई। 108 से तुरंत घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कूटी सवार युवक ने दम तोड़ दिया। कर्नाटक से केदार धाम पहुंची शंकराचार्य की मूर्ति, चिनूक हेलीकॉप्टर ने पहुंचाया धाम। केदारनाथ धाम में बनाया जा रहा आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल इसी महीने के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। शंकराचार्य समाधि स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है और पीएम 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम आ रहे हैं। प्रतापनगर के रणदीप ने जीता KKHD की सिंगिंग प्रतियोगिता का खिताब। प्रतापनगर के रमोल गांव निवासी रणदीप रमोला ने दूरदर्शन के पंजाबी चैनल पर संचालित KKHD शो में गायन प्रतियोगिता ट्रॉफी जीतकर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने रैप गायन में फिनाले में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित प्रतियोगिता अपने नाम की। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर गढ़वाल मंडल के विद्युत कर्मियों ने भरी हुंकार, सरकार को चेताया।
मुख्य सचिव एस एस संधु और ऊर्जा कर्मचारियों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। ऐसे में कर्मचारियों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जल्द ही कोई हल निकल सकता है। आज एक बार फिर मुख्य सचिव ऊर्जा कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे। उधर आज टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी के कर्मचारियों ने श्रीनगर पहुंचकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।